नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा निगम क्षेत्र में निवास करने वाले करदाताओं से शत प्रतिशत कर वसूलने के लिए निगम मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालय में अतिरिक्त काउंटर खोले गए हैं, लेकिन करदाताओं में रुझान की कमी होने से निगम कार्यालय वीरान पड़ा हुआ है। नगर पालिका निगम भिलाई इस वर्ष अपने करदाताओं से शत प्रतिशत कर वसूलने के लिए करदाताओं को बहुत सारी सुविधाएं मुहैया करा रहा है, जिसमें से एक निगम मुख्य कार्यालय सहित सभी जोन कार्यालय में टैक्स वसूलने के लिए अतिरिक्त काउंटर खोलकर शिविर लगाया गया है, जिससे निगम पहुंचे करदाताओं को कर अदा करने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। साथ ही करदाताओं की बहुप्रतीक्षित मांग भी इस वर्ष पूरा करते हुए घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से टैक्स जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। बावजूद इसके निगम मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालय में अवकाश के दिन भी काउंटर खुले होने के बावजूद करदाताओं की गैर मौजूदगी निगम भिलाई के द्वारा करदाताओं को दी जा रही सुविधा पर पानी फिरता नजर आ रहा है। और तो और ऑनलाइन के माध्यम से भी बहुत कम ही मात्रा में लोग अपना टैक्स जमा कर रहे हैं। निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने बताया कि ऑनलाइन के माध्यम से टैक्स जमा कराने की प्रक्रिया को लेकर जागरूकता की कमी की वजह से ऑनलाइन के माध्यम से टैक्स कम जमा हो रहे हैं। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव सर के निर्देश पर मुख्य कार्यालय में अतिरिक्त काउंटर लगाकर अवकाश के दिनों में, क्योंकि वित्तीय वर्ष मार्च का समाप्ति का जो 3 दिवस है वो शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये अवकाश घोषित हो गया था, इसलिए विशेष रूप से नागरिकों की सुविधा के लिए शिविर का आयोजन यहाँ मुख्य कार्यालय सहित सभी जोन कार्यालय में काउंटर लगाकर लोगों की सुविधा के लिए संपत्ति कर पटाने के लिए ये सुविधा दी गई है। साथ ही ऑनलाइन की भी सुविधा दी गई है, जिसमें वेबसाइट पर जाकर नागरिक अपने घर बैठे संपत्ति कर का विवरण प्राप्त करके उसमें भुगतान कर सकते हैं। देखिए, क्या है मानसिकता यह लोगों की कि अवकाश है करके, लेकिन हमने लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से इसमें समाचार प्रकाशित करवाया है, आप जैसे चैनल ने भी इसको प्राथमिकता से प्रसारित करवाया है। साथ ही जो SPS कंपनी है उसने स्पेशली पॉम्पलेट छपवाकर वितरण करवाया है लोगों के बीच में कि अवकाश के दिनों में भी सारे काउंटर खुले रहेंगे। और इस वर्ष तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 तारीख सभी रविवार हो गया है, तो लगभग सभी संस्थान जो है, जैसे बैंक है, BSP है, सभी निकाय जो है वह टैक्स वसूली के लिए अपना खोल के रखा हुआ है। देखिए, ऑनलाइन की सुविधा के तो पहले से थी, लेकिन जिस ढंग से लोगों में जागरूकता होनी चाहिए ऑनलाइन के लिए, वैसी जागरूकता है ही नहीं है। अभी कुछ लोगों ने इस पर जानकारी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया है, उस पर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी भुगतान कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया से लगातार जुड़े रहते हैं, जिनको असुविधा नहीं हो रही है वो ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं। फिलहाल 2023-2024 वित्तीय वर्ष के टैक्स जमा करने के लिए निगम क्षेत्र के करदाताओं को 31 मार्च तक का समय दिया गया है। इसके बाद कर जमा करने से 18% शास्ती शुल्क देना पड़ेगा। बेहतर यही होगा कि 31 मार्च तक अपने वर्तमान वित्तीय वर्ष का टैक्स करदाता जमा करवा दें और अतिरिक्त लगने वाले शास्ती शुल्क से बचें। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।